कोठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एकेडू। मैं हूं हिमांशी बिरमानी, आप सबकी बायोलॉजी टीचर। मैं हूं डॉक्टर सुधीर तोमर, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट। और मैं हूं रमेश, गुड आफ्टरनून। और मैं आपको फिजिक्स में हेल्प करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ मोहम्मद असद जुड़ गए। एक बार मैं आपके नाम ले लेता हूँ, बिना नाम लिए ना, कहते ना प्रभु का नाम ले, तो हम अपने बच्चों का नाम लेते हैं। मोहम्मद असद है, स्वाति कश्यप है, और उसके बाद में ज्ञान रॉय जी साथ में जुड़े हुए हैं, तबसुम प्रवीण, प्रिया कुमारी, विजय राठौर, फसल सिद्दीकी, डॉक्टर ज्ञान रॉय, फिर से मोहम्मद जैद और महिमा सोलंकी। आप सबको वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत ही एनर्जी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। आपको पता है क्या कर रहे हैं हम, 3:15 पे 2019 का नीट का पेपर है ना। और आप सबको पता ही है कि आज यूथ डे है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, तो उन्हीं की एक छोटी सी लाइन है कि ओ उठो मेरे शेरो, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम सब निर्बल हो। तुम सब में से कोई निर्बल नहीं है, तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, जो भी चाह लो। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा था कि उठो, चलो, और तब तक मत रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। कितनी मजबूत बात थी, कितनी अच्छी बात थी। इसके अंदर बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है, बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। ये जो उम्र है आपकी, कहावत है कि बुढ़ापा आकर जाता नहीं और जवानी जाकर आती नहीं, और सारे काम ना इस जवानी में ही करने हैं। आपकी उम्र में पढ़ना है, कैरियर बनाना है तो इस उम्र में, है ना, हेल्थ बनानी है तो इस उम्र में, फैशन करना है तो इस उम्र में, मतलब सारे काम इस नन्ही सी जान के नाम कर दिए गए। क्या बात है। लेकिन चूंकि ऊर्जा भी तो इसी में होती है, अब हमारे रमेश सर देख लो, प्राणायाम करते हैं और कुछ नहीं करते। भाई आप लोगों को देख करके एनर्जी आती है, हम बूढ़े कभी नहीं हो सकते, कभी ये सच बता रहा हूँ। टीचर कभी बूढ़ा नहीं होता, खास करके वो जो सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि ऊर्जा का ना हस्तांतरण तो होता ही है ना। बिल्कुल। मेहुल शर्मा कैसे हैं भाई, अंकित प्रताप, सादर चरण, सॉरी सादर आशीर्वाद, बच्चा सादर आशीर्वाद है ना। ये हाँ, स्नेहाशीष, स्नेहाशीष सर की हिंदी जो ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। हाँ, सर को लाए थे हम हरिद्वार से पकड़ के, वहीं आश्रम में जा रहे थे रामदेव के कब्जा करने। नीट के लिए क्या बोल रहे हैं आपसे, मैं आपके ऐप से हूँ मोहम्मद असद बेटा, पता है हमारे प्यारे बच्चे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज मैंने एक बात कही थी, वो मैं यहाँ भी कह देता हूँ कि जो आसान चीज़ होती है आसानी से मिल जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आसानी से चली भी जाती है। असल बात तो वो है जो सबसे कठिन हो, जो सबने प्राप्त ना की हो, और वो आप प्राप्त करें जिसको। आप हमारे पीछे एक बार देख रहे हैं, मैं चाहूँगा जरा देख लीजिए, आपको ऊर्जा मिलेगी, मिल रही है ना ऊर्जा। भारत का नौजवान जिसने हिंदी में भाषण दिया, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज युवा दिवस है, हमारा और तुम्हारा दिवस है ना, सबका दिवस है, नौजवान दिवस। भारत नौजवानों का देश है, और ये रिपोर्ट है यूएनओ की, सबसे ज़्यादा मेहनती लोग भी भारतीय होते हैं, और हर मौसम में अपने आप को, हर स्थिति में अपने आप को एग्जिस्ट भी कर लेते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा। बेशक गूगल या और कोई आईटी कंपनी हो, एप्पल हो, कोई भी हो, कितने भी बड़े डॉक्टर हो अमेरिका में कहीं भी, हैं सब भारतीय, दिमाग यहीं का है। मैं कल कह रहा था, फिर मैंने इसका विश्लेषण किया कि भाई पुराना जो समय था ना, वो बल से चलता था, मसल पावर से रन होता था। उसके बाद जो समय आया सर, वो वेल्थ से चलता था, धन से चलता था। आज का और आने वाले 20 या 100 साल का जो समय होगा, वो पावर ऑफ नॉलेज की वजह से चलेगा, और वो हमारे पास है, बस वो है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। करना चाहिए, जो कर गया वो मानवता की सेवा करता है। चलिए समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते, पहले मैम को दे देते हैं आज, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैम बायो के क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा बारी ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं करते। ठीक है बेटा, आप पहले बायोलॉजी का आनंद लीजिए, फिर आते हैं केमिस्ट्री, फिर आएगी फिजिक्स। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन, देखते हैं नीट 2019 में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और क्या क्या आए हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आप सबको यही बात बोलूंगी कि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का जो 2021 का एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे सब बच्चे, ये तो मस्ट है। हाँ जी, तबस्सुम जी कह रही है मिल जाए आसानी से, उसकी ख्वाहिश किसे है
जीत तो उसकी है जो मुकद्दर में नहीं हो। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही है तबस्सुम, मतलब गूज बम्प आ गए इन बात को सुन के। बहुत अच्छी बात, जो आसानी से मिल जाए वो चाहिए भी नहीं, वो चाहिए जो हमारे को, जो हमारे मुकद्दर में नहीं है। बहुत ही बढ़िया। चलो तो इसी एक अच्छे नोट पे, इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नीट 2019 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है बायो का, कि अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो सबसे पहले स्पोरोफाइट के ऊपर कौन सी कैटेगरी में देखा गया था? टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, लिवरवोर्ट्स में या फिर मॉसिस में? लोअर बॉटनी का क्वेश्चन है, 2019 का सबसे पहला क्वेश्चन बायो का लोअर बॉटनी से आया है। मैं बेटा आपको बार बार कहती हूँ, लोअर बॉटनी को अच्छे से कर लिया तो आपका जो है लोअर बॉटनी कर लिया तो पूरा नीट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। और आज हमारे साथ एक नया बच्चा भी जुड़ा हुआ है, आयुष जी। उन्होंने ऊपर भी बात एक बोली है कि बच्चे पढ़कर कुछ बन जाते हैं, टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। बिल्कुल सही बात, और टीचर्स की यही एक ड्यूटी है, यही एक तमन्ना है कि जिनको भी हम पढ़ाएं, जिनको भी हम पढ़ा रहे हैं वो दुनिया में कुछ कर जाए और नाम कर जाए, हमारा भी और अपना भी, है ना। तो चलो बच्चों बताओ सबसे पहले कि जो फीमेल गैमेटोफाइट, जो पेरेंट्स स्पोरोफाइट के ऊपर देखा गया था वो सबसे पहले किस में देखा गया था? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, लिवरवोर्ट्स या फिर मॉसिस के अंदर? आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, टू। अच्छा, जिम्नोस्पर्म के अंदर देखा गया था, मोहम्मद असद जी कह रहे हैं टू। और बच्चों जल्दी जल्दी से आंसर देंगे, इतनी आज इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लास स्टार्ट हुई है, इतनी मोटिवेशनल बातें करी है तबस्सुम जी ने, आयुष जी ने और हम सब ने भी, तो जल्दी से बताएं। कीप गाइडिंग अस, बिल्कुल वी विल कीप गाइडिंग यू ऑल द टाइम एंड ऑलवेज। तो चलो फटाफट बताएंगे किस में देखा गया था बच्चों सबसे पहले। हाँ जी, टू है मैम, थ्री है, योगेश कह रहे हैं थ्री, ज्ञान रे कह रहे हैं टू। बेटा इसको याद रखना, सबसे पहले ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये टू में नहीं, द आंसर इज एक्चुअली वन। सबसे पहले ये किस में देखा गया था? टेरिडोफाइट्स में देखा गया था। टेरिडोफाइट ही वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कैटेगरी है, वो प्लांट्स है जिसमें स्पोरोफाइट के ऊपर सबसे पहले गैमेटोफाइट जो थे वो मिले। तो जो भी बच्चे बी बोल रहे हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं, मुझे पता है कि जिम्नोस्पर्म आप क्यों बोल रहे हो क्योंकि वो एडवांस है, लेकिन नहीं, सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में, बाद में ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर डेवलपमेंट हुआ। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी बात पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रूशन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस। एग न्यूक्लियस में से निकलने वाली सेकंड पोलर बॉडी जो है वो कब होती है? जब स्पर्म जो है वो ओवम में एंटर कर जाता है, उसके बाद जब हमारा जो फर्स्ट क्लीवेज देखा जाता है ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, या फिर जब स्पर्म जो है वो एंटर कर जाता है लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले, निषेचन से पहले या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद। तो जो बेटा सेकंड पोलर बॉडी एग के अंडाणु के न्यूक्लियस में से बाहर आती है वो कब आती है? हाँ जी, हेलो दीपांशु, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल बेटा 3:15 एग्जैक्ट आ जाए करो, एक मिनट भी क्लास में लेट नहीं होना, टाइम को वैल्यू दो तो टाइम भी आपको वैल्यू देगा। जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे फटाफट इस क्वेश्चन का। आपका जो बायो का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो आई वॉन्ट कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज आप तक पहुँचा सकूँ, मैक्सिमम हम क्वेश्चन कर सकें। तो फटाफट आंसर दिया करो कि कब होता है पोलर बॉडी जो है वो एग न्यूक्लियस से कब बाहर आती है? हाँ जी प्रिया कुमारी, 4A 3 4, बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 3, थोड़े से कंफ्यूज है, मतलब 4 और 3 में, ऐसे ही क्वेश्चन ही तो जो कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ जी पर्वती कह रही हैं 4, बेटा आंसर जो है वो 4 नहीं है, आंसर इज 3। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता, यानी कि निषेचन अभी नहीं हुआ होता, उससे पहले ही जो सेकंड पोलर बॉडी है वो एग के न्यूक्लियस में से बाहर आ जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो एंटर कर चुका है बट द निषेचन हैज नॉट बीन टेकन प्लेस, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो अभी तक नहीं हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी बात पे एक और गिफ्ट, थर्ड क्वेश्चन, डीएनए प्रेसिपिटेशन। अगर हम एक बायो मॉलिक्यूल्स में से डीएनए को बाहर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इंग्लिश में बोल दिया करो मैम, ठीक है बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दूंगी बिल्कुल। अगर आपको डीएनए को बाहर निकालना हो, इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए फ्रॉम द बायो मॉलिक्यूल, तो आप इसमें से क्या यूज़ करोगे? मिथेनॉल यूज़ करोगे, चिल्ड क्लोरोफॉर्म यूज़ करोगे, आइसोप्रोपेनॉल यूज़ करोगे या चिल्ड इथेनॉल यूज़ करोगे? वो कौन सा केमिकल है जो डीएनए को बाहर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं? हाँ जी कौन सा है वो, जब हम
बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, डीएनए प्रेसिपिटेशन हम यूज करेंगे जब हमें डीएनए का यूज करना है किसी और ऑर्गेनिज्म में जीन को डालने के लिए। देखो कैसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट 20 एंड 19 में, 2019 का क्वेश्चन। फोर विजय राठौर, फोर फसल सिद्ध की, थ्री सेवती, थ्री। अच्छा और क्या लगता है बाकियों को, मोहम्मद जाहिद, पर्वती, योगेश, क्या लग रहा है आंसर, फटाफट आंसर देंगे। मोहम्मद आकिब, टू, ओके, विजय राठौर, फोर। ठीक है बेटा, आंसर फोर। जिन्होंने फोर दिया बहुत अच्छी बात है, अपने लिए क्लैपिंग करेंगे खुद, बहुत अच्छा आंसर दिया। आंसर इज फोर। जब भी हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट आउट करना हो, बाहर निकालना हो, तो चिल्ड इथेनॉल -80 डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ इथेनॉल जो है वो डाल दिया जाता है, ताकि क्या हो जाए, डीएनए आपका सेल से बाहर आ सके, सेल के अंदर न्यूक्लियस से बाहर आ सके। पता नहीं मैम, ज्ञान रहे। अब याद रखना, चिल्ड इथेनॉल हम यूज करते हैं जिससे हम डीएनए को सेल से बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न पैथो एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंस, मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आप सबको पता है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, इतने ज़्यादा पैथोजन एलर्जेंस के बढ़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है। उसका क्या रीज़न है, उसका क्या ये रीज़न है कि जो हमारी एल्वुलर वॉल्स हैं, जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उनके अंदर फाइबरस टिश्यू इकट्ठे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। क्या उनका ये रीज़न है कि रिप्रोडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ न्यूमासाइट्स, मतलब इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर बिनिन ग्रोथ इन और म्यूकस लाइनिंग और नेसल कैविटी, जो आपकी नेसल कैविटी है उसमें ग्रोथ हो रही है, या फिर जलन हो रही है ब्रोंकियाए एंड ब्रोंकियोल्स में, जो आपके लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उसके अंदर जो ब्रोंकियाए और ब्रोंकियोल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन देखी जा रही है, सूजन या फिर जलन देखी जा रही है। तो इतना पॉल्यूशन बढ़ने का क्या रीज़न है, और ये पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, हम सबकी एक्टिविटीज़ की वजह से। बस दुकान तक सामान लेने जाना है तो किस पे जाएंगे, स्कूटी पे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। पॉल्यूशन सिर्फ, और ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एलर्जेंस बढ़ रहे हैं, क्या देखा जा रहा है इसकी वजह से, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। हाँ जी, फटाफट आंसर आए, थ्री बोल रहे हैं बच्चे। अच्छा, इसकी वजह से म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेसल कैविटी में ग्रोथ हो रही है, ओके। एनीबडी एल्स, क्या आंसर होना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का? पंकज इज सेइंग डी। देखो बेटा, इकोलॉजी, पॉल्यूशन, ये सब जो क्वेश्चन है देखने में आसान लगते हैं बट होते मुश्किल है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सब बच्चों की बोलती हो जाती है बंद, जो अभी हो गई है, क्योंकि सारे ऑप्शन सही लगते हैं कि ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ये चीज़ भी सही है, लेकिन आंसर तो सिर्फ एक ही होगा कोई। मोहम्मद असर इज सेइंग 4-1, ओके। योगेश यादव, 4। बेटा इसको आप याद रखो, आंसर इज 1। देखा मैंने, जब मैंने आपको इकोलॉजी पढ़ाई है, अगर आपने वो वीडियोस देखी है उसमें भी मैंने बार बार बोला है, जो लगता आसान है वो होता नहीं है आसान। तो इकोलॉजी देखने में बड़ी आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग घूम जाता है, बिल्कुल वही आपका भी घूम गया। तो बेटा ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि डैमेज हो रहे हैं फाइब्रस टिश्यू का, एक्यूमुलेशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है किसके अंदर, हमारी एल्वुलर वॉल्स के अंदर, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। तो याद रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कि पॉल्यूशन को क्या करना है, कम करना है। कंफ्यूज हो गया मैं तो, बिल्कुल कंफ्यूज, इकोलॉजी कंफ्यूज ही करती है हमेशा, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ो इकोलॉजी को, अच्छे से पढ़ो, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे छूट ना जाए। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। अर्थ समिट जो रियोडो जेनेरियो में 1992 में हुई थी, वो क्यों हुई थी, उसका मोटिव क्या था, उसका गोल क्या था उस अर्थ समिट का, ये देखने के लिए। द असेस थ्रेट पोस्ट टू नेटिव स्पीशीज, मतलब बाहर से आने वाली स्पीशीज की वजह से, जो एक जगह पे जो स्पीशीज मिलती है उनके ऊपर जो खतरा है, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हुई थी। फॉर इमीडिएट स्टेप टू डिसकंटिन्यूज यूज ऑफ CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीज होती है रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में से, उसकी वजह से जो ओजोन लेयर पे छेद हो रहा है, होल हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या वो मीटिंग हुई थी। क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को, ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया का सबसे बड़ा, आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा इशू ग्लोबल वार्मिंग, क्या उस ग्लोबल वार्मिंग के इशू पे बात करने के लिए, या फिर बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, जो भी हमारे एनिमल्स और प्लांट्स पे जो खतरा है उनको प्रिजर्व करने के लिए, किस पे डिस्कशन करने के लिए अर्थ समिट जो है वो की गई थी। हाँ जी, टू
ये भी मैंने बेटा क्लास में पढ़ाया है। जिन बच्चों ने अभी भी एकेडू को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सारी क्लासेस मिस कर रहे हैं, और अगर आप आंसर गलत दे रहे हो इसका मतलब आपने क्लासेस नहीं देखी है। मैंने क्लास में पढ़ाया है, जब मैंने इकोलॉजी पढ़ाई है इन्वायरमेंटल इशू वाला चैप्टर, उसमें बताया था ये अर्थ समिट क्यों हुई थी। फोर होगा मैम, टू होगा, फोर होगा, टू और फोर में लड़ाई है। सेफ्टी सिंह फोर, मोहम्मद आकिब टू, मोहम्मद असद टू, फोर होगा मैम, टू होगा, टू या फोर, आंसर इज फोर। फोर आंसर है। जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, एनिमल्स और प्लांट्स को मारा जा रहा है, जो खत्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए जो अर्थ समिट है वो कब हुई थी, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। चलो तो अब याद रखना, टू नहीं, टू और फोर में कंफ्यूजन थी, आंसर इज फोर। बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना ही सबसे बड़ा गोल था, सबसे बड़ा मोटिव था उस अर्थ समिट का, और कब की गई थी, 1992 के अंदर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैच दी होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज, जो होमिनिड्स है उनका ब्रेन साइज क्या है। मैम साइड प्लीज, लो भाई साइड हो गई मैम, कि होमिनिड्स का ब्रेन साइज क्या है, कौन से होमिनिड का कौन सा ब्रेन साइज होता है। होमोहेबिलियस, होमोरेक्टस, होमोसेपियंस, इन सब में से किसका ब्रेन साइज जो है वो किससे मैच करता है, क्या आंसर लगता है। एक बार मैं दिखा देती हूँ जिनको होमिनिड्स नहीं पता। कुछ इस तरीके से होमिनिड्स होते हैं, सबसे पहले, देन उसका इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, इस तरीके से जो ब्रेन साइज है वो बढ़ता चला गया, और जो जॉ और टीथ थे ह्यूमंस के वो क्या होते चले गए, छोटे। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं। तो कौन सा होमिनिड्स का कौन सा साइज है, किस होमिनिड का ब्रेन साइज किसके साथ मैच करता है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हर बारी। ए, मोहम्मद असद इज सेइंग ए, ओके। और भाई क्या लगता है आप लोगों को, अच्छे से ऑप्शन दिखेगा, आप लोग देखो ऑप्शन और बताओ कौन सा होमिनिड का कौन सा ब्रेन साइज है। सोचो सोचो क्या आंसर होना चाहिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन। देखो अगर आंसर्स नहीं दोगे ना, फिर आप लोग अगर चुप हो जाओगे, आप लोग एनर्जी डाउन होती है तो मैम की वजह से। गलत आंसर्स भी देना मंजूर है, सब कुछ वेलकम है, गलत सही कुछ भी आंसर दो, बट एटलीस्ट आंसर ए। देखो जैसी एनर्जी का नाम लेती हूँ बच्चे एकदम आंसर देने लगते हैं, ए फोर ए मैम, ओके ठीक है। आपको बताओ बेटा होमोहेबिलिस का साइज किससे मिलता है, ए ए ए, थ्री थ्री ए और थ्री आंसर है, आंसर इज ए, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट आंसर है, यानी कि ए, यानी कि होमोहेबिलियंस जो है उनका साइज है ब्रेन साइज 650 to 800 cc। देन जो आपका बी है उसका साइज है आपका 1400 cc। देन सी होमो इरेक्टस का साइज होता है 900 cc, एंड होमोसेपियंस उनका साइज है 1350 cc। ये होमोसेपियंस जो है वो अभी जो हम यहाँ पे खड़े हैं एक दूसरे के सामने वो है होमोसेपियन। हम लोगों का जो ब्रेन साइज है वो कितना है, 1350 cc। बिल्कुल, तो आंसर क्या है यहाँ पे, वन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला हो गया। नेक्स्ट, हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस दी सेलुलर एक्टिविटीज, जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है वो सेलुलर एक्टिविटीज को कैसे अफेक्ट करता है, स्टीरॉयड हार्मोन का क्या इफेक्ट आता है। क्या वो साइक्लिक एएमपी जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगी होती है, साइक्लिक एएमपी का काम होता है आपकी बॉडी में सिग्नल्स को सेंड करना, क्या उन सिग्नल्स को सेंड करने वाला जो साइक्लिक एएमपी लगा हुआ है सेल मेम्ब्रेन पे वो एक्टिवेट हो जाता है। Using aquaporin channel as secondary messenger, aquaporins के जो channel है जो पानी को transport करते हैं क्या उनको activate कर देते हैं, क्या cell membrane की permeability change हो जाती है, मतलब कौन से ions अंदर आएंगे कौन से ions बाहर जाएंगे वो बदल जाता है, या फिर DNA का binding होना और gene hormone complex का बनना ये वाला काम होता है with the help of steroid hormone। तो steroid hormones क्या करते हैं, 3 2, वेरी गुड, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर आ जाना चाहिए, इतनी स्पीड बढ़ाओ, 4 3 2, और क्या आंसर है जल्दी से सोचो बेटा, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स का क्या फंक्शन है, ऑप्शन ए, आयुष कह रहे हैं ऑप्शन ए, वेरी गुड, ओके। और क्या लगता है क्या ऑप्शन है, और फेसबुक पे भी बच्चे जुड़े हुए हैं, वेरी गुड आफ्टरनून राजेश, वेरी गुड आफ्टरनून योगेश, प्रियंका, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ऑप्शन 3, ओके। और कोई और क्या लग रहा है सबको आंसर, देखो बेटा नीट का पेपर के 2019 का जो थोड़ा सा पेपर है वो ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, मैंने देखा है 2020 के कंपैरेटिवली, तो ये वाला पेपर अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, क्रैक कर लिया, तो मतलब तैयारी जो है वो 90% तो हो ही चुकी है। 2 3 ए,
अलग अलग आंसर है। अब इसको याद रखना, जो स्टेरॉइड हार्मोन है उसका काम होता है बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। वो स्टेरॉइड हार्मोन आपके डीएनए के साथ बाइंड करके जीन हार्मोन का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यही काम होता है स्टेरॉइड हार्मोन का। स्टेरॉइड्स हार्मोन आपने देखा होगा, जो बॉयज जो लड़के जिम जाते हैं वो भी स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, तो वो जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए आर्टिफिशियली लिए गए स्टेरॉइड हार्मोन हार्मफुल होते हैं, यूजफुल नहीं होते, बट जो बॉडी में बन रहे हैं वो डीएनए के साथ बाइंड होके जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है दीपांशु, ऑप्शन इज डी। चलो 10 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रेफर टू ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है? क्या ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है, नोवल डीएनए सीक्वेंसेस है, जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, या फिर पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन? कौन सा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग को डिटरमाइन करता है, कौन सा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग को दिखाता है? हाँ जी प्रिया, राशिद, योगेश, मोहम्मद जाहिद, प्रहलाद, ओके एक नया स्टूडेंट मैं आज देख रही हूँ, प्रहलाद, वेरी गुड, वेलकम टू एकेडू प्रहलाद। बेटा रोज आया करो क्लास के अंदर, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि आओ, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, इस चीज का फायदा उठा सके, और उन लोगों को भी नॉलेज मिल सके कि क्या होता है ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। हाँ जी 3A4 नंदनी, ओके नंदनी सिंह ए, वेरी गुड, और क्या लग रहा है नंदनी? सुरेंद्र 4, राशिद सी, मोहम्मद असाद डी, विजय सिंह 3, ओके इतने अलग अलग आंसर है तो मैं बता देती हूँ, आंसर इज 3। जीन एक्सप्रेस डेज आरएनए, ऐसे जीन जो आरएनए को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब आरएनए बनाने में हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, इसका मतलब अच्छे से पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं। चलो तो फिर अब जो है मैडम, हाँ थोड़ा सा विराम दे देते हैं ना, बहुत एनर्जी लगती है। एक मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ, युवा दिवस है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आई हुई है कुछ जगह पे, एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप जरा देखिए, आपको सच में बहुत कुछ मिलेगा सीखने में अगर आप यहाँ से देख पाए। आप शायद देख रहे होंगे एक बच्चा बैठा हुआ है सब्जी रोड के किनारे, सब्जी बेचते हुए, और हाथ में किताब है, पढ़ाई कर रहा है, ऊर्जा मिलती है इनको देख करके, कुछ लिखा भी है मैं जरा पढ़ना चाहूंगा। और इसके पास जो बाइक खड़ी है मैं देख पा रहा हूँ, उस पर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश 6884, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं लिखा हुआ है, जैसे बाद में होता है। ये भारत है, भारत के नौजवान ऐसे हैं जो भारत के कर्ता धरता है, जिनके कंधों पर भारत का बोझ आना है भविष्य में, वो ये कंधे हैं। सच में कितने मजबूत, और इतनी ठंडी हवा में भी रोड के किनारे स्वेटर पहनकर ये बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, और टमाटर है और इसके पास में मटर है मैम, है ना, ये बेच रहा है। किसी ने लिखा है, कोई पास में से निकलता है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आती, तो लिखा किसी ने, ठहरो अभी प्रतीक्षारत रहो, यह कोरा भ्रम है कि मैं उद्भ्रांत हूं। मैं निसंदेह है कुछ अवगुण, क्योंकि भगवान तो नहीं इंसान हूं मैं, आज नितांत शून्य हूं तो क्या हुआ, अशून्य अंक जुड़े तो बड़ा मान हूं मैं। आप समझ रहे हैं ना मीनिंग को, हिंदी भाषा ही बेल्ट से ज्यादातर बच्चे आते हैं वो समझ रहे होंगे। पूर्वाग्रह खोकर करो साक्षात गौरव के गौरव से, जिससे सर्वविदित बनना अपेक्षित हो ऐसी पहचान हूं मैं, प्रगति पथ पर चलायमान हूं मैं, हाँ अभी शांत हूं लेकिन प्रशांत हूं मैं। प्रशांत महासागर की बात हो रही है। और बाद में लिखा, राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सच में विपरीत परिस्थितियों में अपनी राह बनाने वाले लोग ही इतिहास रचते हैं। किसी ने लिखा है कि जो जितनी बार असफल होता है वो उतना ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित करता है। आप किसी की भी जीवनी उठा करके देख लीजिए, कमर्शियल ब्रेक है भाई, है ना बीच में पढ़ाई से मन थक जाता है ना, तो मेरी आदत रही है, जो बच्चे मुझे जानते हैं बीच बीच में कहानी और ये सब, जो लोग जितनी बार असफल होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। और आप किसी का भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उठा लीजिए, प्रधानमंत्री जी का उठा लीजिए, किसी का भी, कुछ को छोड़ करके, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं उनको छोड़ करके, आपकी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं, एक तो वो है, क्या नाम है उनका, सलमान खान वाली पिक्चर में वो ऐसे करते हैं, वो नाम नवाज, देखो एडिटर साहब, अरे वाह क्या बात है ना, एकदम से नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, या आपके वो
अभी एक्सपायर हुए, वो बड़े अच्छे कलाकार थे, इरफान। अरे क्या क्या जीके आप लोगों का, है ना, आप लोग भी जान गए होंगे ना। फिजिक्स वाले सर सबसे पहले बोलने के लिए बोल पड़े, सांस लिया और खांसी भी आ गई उनको। हाँ मतलब इन लोगों ने ना विपरीत परिस्थितियों में ऐसे भी हालात आए कि खाने के बर्तन और चम्मच नहीं बचे थे इन लोगों के पास में, लेकिन हटे नहीं। जो चलता रहता है, जो लगातार जिद पर अड़ जाता है, वो सच में कुछ ना कुछ नया करके रहता है। और उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसा ही करेंगे विपरीत परिस्थितियों में। बेटा तभी हम अपने पीछे जब देखें ना मुड़ के, तो ये लगे कि यार मैं वहां से निकल के आया, आज मैं यहाँ हूँ और मुझे उसकी कद्र भी है जो वहां पर आज है। ठीक है, अभी मैडम का दिल भरा नहीं तो मैम कुछ दो और करा लीजिए, दस हो जाएंगे सर। मतलब बहुत ही अच्छी आपने बात करी कि बच्चे फिर से मोटिवेट हो गए हैं, बीच में बिल्कुल मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। हाँ जी, चलो तो फिर देखते हैं आगे, एक बारी और दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, दस करते हैं पूरे, ताकि आपका जो बायो का वेटेज है वो हम कवर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत टाइम लगता है पाइनएप्पल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, तो कौन से हॉर्मोन्स जो है जो हम पाइनएप्पल पे, अनानास पे डाल के हम उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन और इथाइलिन, या जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, कौन सा वो हॉर्मोन है जिसको डालने से जो पाइनएप्पल है, जो अनानास है, उसकी ग्रोथ को हम जल्दी कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड हो गई हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन को देख सको और जल्दी जल्दी से आंसर आपके आने शुरू हो जाए। हाँ जी, क्या लगता है आप लोगों को, तबस्सुम, नुरुल, मोहम्मद जायद, आयुष, फसल, सिद्दीकी, जल्दी से आंसर देंगे। किड्स फन सेफ्टी वन है मैम, ज्ञान रे कह रहे हैं वन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको कल वाली क्लास में भी कराया था, जिसमें हमने शुगर केन वाला क्वेश्चन किया था। तो देखो, 2020 में शुगर केन पूछा, 2019 में पाइनएप्पल पूछ लिया था। ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। जो पेपर, अगर मैं नीट का पेपर बनाती ना, तो मैं ऐसे ही करती, क्वेश्चन को घुमा फिरा के वही क्वेश्चन डाल दिए जाते। तो जो बना रहे हैं उनका भी यही माइंडसेट है कि बस उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के डाल दिया जाए और बच्चों का जो है क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अगर सारे नीट के पेपर आपने कर लिए। थ्री है मैम, बिल्कुल ठीक है, आंसर इज थ्री, ऑक्सिन और इथाइलिन। अगर हम ऑक्सिन हार्मोन और इथाइलिन हार्मोन डाल दे अनानास पे, पाइनएप्पल पे, तो जो उसकी ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, चुटकी बजाते ही हो जाएगी, फटाफट से हो जाएगी। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। कौन सा पिरामिड है जो जनरली इन्वर्टेड रहता है, उल्टा रहता है, कौन सा पिरामिड होता है वो? पिरामिड ऑफ बायोमास, जो जंगलों में, जंगलों का, फॉरेस्ट का जो बायोमास का पिरामिड है, क्या वो पिरामिड ऑफ बायोमास सी का, समुद्र का, या फिर पिरामिड ऑफ नंबर, या फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी? वो कौन सा पिरामिड होता है जो जो हमेशा उल्टा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा? अगर बच्चे एनर्जी बोल रहे हैं ना, तो भाई बहुत गलत है। एनर्जी तो बिल्कुल सोच में मत लेना, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होती है, ट्रेवल करती है, ट्रांसफर करती है। तो एनर्जी, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि कौन सा हमेशा सीधा होता है, कौन सा हमेशा इरेक्ट होता है, तो एनर्जी होता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा उल्टा होता है। हाँ जी, 3D 4 क्या लग रहा है आप लोगों को कि कौन सा हमेशा उल्टा होता है पिरामिड? जल्दी से आंसर, 3 3 3 4 3 3 4 पक्का? 3 पक्का 4 4 तो बिल्कुल नहीं है बेटा, एनर्जी का हमेशा सीधा होता है। विजय राठौर ने चेंज करा आंसर, 2 बिल्कुल ठीक है, आंसर इज 2। जो बायोमास सी में मिलता है, समुद्र का जो बायोमास होता है, उसका जो पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा होता है, बाकी सबका सीधा उल्टा चलता रहेगा, डिपेंड करेगा कहाँ ज्यादा है और कौन सा कम है, लेकिन एनर्जी का हमेशा सीधा रहेगा, इरेक्ट, कभी भी उल्टा नहीं होता। और जो हमेशा उल्टा होगा वो कौन सा होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास, जो किस में मिलता है, सी में मिलता है, समुद्र में मिलता है। आज के थे ये 10 क्वेश्चन बायो के। आपको क्लास के बाद भी दोबारा से सारे क्वेश्चन देखने हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और हमें याद हो गए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि भाई एक ही बार करने से सारा याद हो जाता है। तो बेटा क्लास के बाद सारे क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे बायो के, दोबारा से जरूर देखा करो वीडियो को, ताकि वो क्वेश्चंस आपको याद हो जाए, आपको पूरे दिमाग के अंदर बैठ जाए और आप उसको कभी भी ना भूलो। और 2021 का जो सपना देख लिया है ना, उसको साकार करके ही छोड़ना है इस बारी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है ना, वो इधर का उधर नहीं होगा, वो वही रहेगा और उसको हम हासिल करके ही रहेंगे। एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और क्रूक, वी हैव टू डू इट।
ठीक है, तो इसी बात पे अब आपके जो केमिस्ट्री वाले सर हैं वो आपको कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चन कराएंगे। और बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, इसी तरीके से पढ़ते रहो, लक्ष्य दूर नहीं है, बस आने वाली है, होने वाला है, क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीरें हैं आज, है ना? सर वहां से मेल खोल लीजिए। हाँ जी, बी बी अभी भी आंसर आ रहे हैं। हाँ जी, तो फटाफट से इसी बात पे चलो, एक जल्दी से सारे बच्चे एक एक लाइक मार देंगे फटाफट। अगर लाइक नहीं करोगे तो फिर हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगी, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है अगर बच्चे जो है लाइक और शेयर नहीं करते। आपके जो दोस्त हैं, इतने सारे आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी बोलो कि क्लास में आए, क्लास अटेंड करें, और जितनी नॉलेज जितना कुछ लेकर जा सकते हैं वो ले जाओ। हम तो दिए जा रहे हैं, आप बस लेते जाओ, सारी नॉलेज ग्रैब करते जाओ। पार्टी कहाँ है मैम? जहाँ बोलो बेटा वहाँ पार्टी है, पार्टी ही पार्टी है। मैडम पार्टी अभी बाकी है ना? हाँ जी सर, पार्टी अभी बाकी है, पार्टी लेंगे। आकिब जी थोड़ा फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, है ना? बायो केमिस्ट्री नहीं, अब प्योर केमिस्ट्री थोड़ा सा कर लेते हैं। वैसे माइंड बड़ा डिस्टर्ब तो होता होगा, है ना? तीनों का मिक्सअप जब जूस मिलके पीते हैं ना, बायोलॉजी साथ में फिजिक्स साथ में केमिस्ट्री। मैडम की तबीयत खराब थी, देखो फिर भी आपके लिए हमने मना किया था, लेकिन फिर भी कहा कि नहीं मैं क्वेश्चन कराऊंगी बच्चों को। ये सवाल हम कल कर चुके थे नीट 2019 के, जो आप देख रहे हैं अभी, और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने छोड़ा था पिछली क्लास में। तो ये वाले सवाल हमने कर लिए थे, ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का मैंने आपको बताया था, और आज शायद यहां से स्टार्ट करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 51 से। तो बेटा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो फटाफट बताएं। सवाल जो है वो ऊष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर से है, ऊष्मा गति की जो है आपका अध्याय है। लिखा हुआ है समताप प्रक्रम स्थिति, समताप जानते हो ना, आइसो थर्मल कंडीशन में समतापी प्रक्रम स्थिति के तहत, हाँ समतापी प्रक्रम स्थिति के तहत 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, एक गैस दो बार बाहरी दबाव, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो आपका 2 एटमोस्फियर है, और वो 0.1 लीटर से 0.25 लीटर तक फैल जाती है। गैस द्वारा किया गया कार्य कितना है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैं हिंट दे देता हूं आपको, जब तक आपके जवाब आए फटाफट, इसमें समय लगेगा कैलकुलेशन करने में डेफिनेटली आपको। तो इसमें फॉर्मूला बेटा लगता है, जब आप काम करते हैं आइसोथर्मल कंडीशन में रिवर्सिबल मैनर में एक्सपेंड करके, रिवर्सिबल लिखा है क्या समतापी प्रक्रम में? रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ है, रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ। अगर रिवर्सिबल लिखा रहता तो फॉर्मूला लगता -2.303 nRT log V2/V1, ये लगता। अब फॉर्मूला लगेगा माइनस पी एक्सटर्नल ब्रैकेट में बेटा V2 - V1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और ये आपको बता दूं, ये मतलब 2019 से पहले भी 2017 या 16 में फिर पूछा गया, संख्या बदल दी गई थी। क्यों पूछा गया है आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैंने पी एक्सटर्नल पुट कर दिया, कितना है भाई -2, है ना? और टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। टेम्परेचर इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर इसमें लिखा रहता रिवर्सिबल मैनर यानी कि उत्क्रमणीय विधि में, तो टेम्परेचर का रोल होता। V2 - V1, V2 कितना है बेटा 0.25 और V है 0.1। अब कितना आएगा -2 और यह आएगा 0.15, इस हिसाब से आ गया माइनस, है ना, 0.15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.30 आ जाएगा। क्या ये उत्तर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है। क्या वर्क डन की यूनिट एटमॉस्फेयर लीटर होती है? नहीं होती, उसकी यूनिट होती है जूल। तो आपको बेटा जो 0.30 आपका आया है ना, -0.30, उसको आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 101.3 से, अगर आप एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। तो आएगा तो वो 30 के आसपास, लेकिन -30 जूल, ये रहा, ये है। कितने बच्चों ने उत्तर दिया है इसका सही? मोहम्मद आकिब ने ए लिखा है, मोहम्मद आकिब ठीक है आपका। और मोहम्मद असद ने 2 दिया है, फैसल सिद्दीकी हेलो हाउ आर यू, डॉक्टर ज्ञान एंड किड्स फन हेलो, विजय राठौर ए, हाँ ए है उत्तर इसका। अगले सवाल पर चलते हैं 52 पर। 51 हो गया, समझ में आ गया होगा, ऐसा कंफ्यूजन वाले सवाल केमिस्ट्री में दिया जाता है। निम्नलिखित में से वह जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, बायोलॉजी से भी आपको रिलेट कर सकते हैं इसको। स्वाति कश्यप जी बताएं कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस में कंसीडर नहीं की जाती। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन में मैं देख रहा हूं मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है,
और नाइट्रस ऑक्साइड है, साथ में सल्फर, हाँ ये हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, जल्दी। 52 का 2, प्रिया कुमारी ने कहा है 52 का 2, मीथेन। और बताएं जल्दी, बहुत ही सीधा सा सवाल है, कौन सी गैस कंसीडर नहीं की जाती एज ए ग्रीन हाउस गैस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सी है? ओजोन डिप्लीकेशन नाम याद है ना, उससे जुड़ा हुआ विजय राठौर 3, यानी कि ओजोन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ज्ञान रॉय 3 कह रहे हैं, 3 है। बाकी बच्चे भी जवाब दें, इतना आसान सा सवाल। दीपांशु का आ गया है, विजय राठौर का आ गया है, और पंकज शिंदे ने सी कहा है, असद 52 का ए कहते हैं, राठौर जी 3 कह रहे हैं, स्वाति कश्यप 2 कह रही हैं, मोहम्मद जाहिद ने सी कहा है ज्यादातर बच्चों का। देखिए मीथेन का तो आपको पता है, वो सीधे सीधे जुड़ी हुई है ग्रीन हाउस गैस से। वैसे मीथेन के बारे में एक और मैं आपको अच्छा कंसेप्ट बता देता हूँ कि जब मौसम की पहली बारिश होती है, बरसात जब होती है ना, गर्मी के बाद जब बरसात आती है, पानी की बूंदें जब पृथ्वी पर पड़ती है, कितनी अच्छी महक आती है, मीथेन की वजह से होती है। और वो गैस एक प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को नाक से ब्लड आ जाता है बचपन में, उसके ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। तो दैट इज रिलेटेड टू आपके ग्रीन हाउस गैस से। नाइट्रस ऑक्साइड सीधे सीधे जुड़ी हुई है, सीधे सीधे जुड़ी हुई है। ओजोन का बेटा वो डिप्लीकेशन होता है, ओजोन डायरेक्ट नहीं जुड़ी है, लेकिन ओजोन का डिप्लीकेशन होता है इनकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग है ना, पता है ना आपको ओजोन डिप्लीकेशन, ओजोन होल बन रहा है। तो ज्यादातर बच्चों का सही जवाब आया है, और तबस्सुम कह रही मेरा भी, कमेंट देखो लिख दो बेटा मैं भी हूं यहाँ पर, है ना, लिखते हैं ना आप, तो मैं हूं ना तबस्सुम, बिल्कुल देख रहा हूं मैं। योगेश यादव ने भी ठोक दिया एकदम, 3 सही जवाब था, ज्यादातर बच्चों ने सही दिया था। ये ले लो बेटा, फॉस्फेट हस्तांतरण में एटीपी का उपयोग करने वाले एंजाइम को फैक्टर के रूप में क्षारीय पृथ्वी धातु, पृथ्वी नहीं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु एम की कौन सी की आवश्यकता होती है? एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन एल्केलाइन अर्थ मेटल एम एज ए को फैक्टर, सो एम इज कौन सा मेटल होता है बेटा? फसल से देखिए ठीक था आपका जब उसका, उसमें अम्ल रेन बहुत बढ़िया लिखा है आपने, इसमें से कौन सी धातु है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या स्ट्रोनशियम, फटाफट बताएं। आपको मैं बता दूं, हल्का सा हिंट दे दूं, मैंने एक दिन समझाया था आपको कि जो ब्लड है, ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन होता है, और उसका जो सेंट्रल मेटल होता है वो आयरन होता है, और विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालामाइन, उसमें कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल मेटल होता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं जिनमें ग्रीन जो पिगमेंट होता है जिसको आप क्लोरोफिल बोलते हैं, उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो मैग्नीशियम होता है। और इसमें अब 2 जवाब मेरे पास आ गए हैं, 53 का असद ने कहा है 2 होगा, और ज्ञान रॉय कह रहे हैं Mg मैग्नीशियम होगा, और विजय राठौर ने 2 कहा है, आकिब ने भी Mg कहा है। बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अगला सवाल ले लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित रूपांतरण के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक है, वो रूपांतरण मैं लिख के दिखाऊंगा, मैंने लिखा नहीं था इसमें जानबूझ के, 4 रिएजेंट है, मैं चाहता हूं आपको चारों की जानकारी हो। ये है, अब यहां रूपांतरण लिखने से बेहतर मैंने समझा कि मैं चारों जो रिएजेंट दिए हुए कहां यूज होता है, किस किस तरीके से, वो आपको समझा दूं बेटा। Na- लिक्विड अमोनिया रिडक्शन के लिए यूज होता है, और इसको ब्रिज रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिज रिडक्शन। जब ब्यूट 2 आयन को रिड्यूस किया जाता है, वो ट्रांस ब्यूटीन बनाता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये करता है, ये ब्रिज रिडक्शन में काम आएगा, और ब्रिज रिडक्शन है इसका नाम। उसी में ये लिंडलर कैटलिस्ट होता है, लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं इसका नाम, ये ब्यूट 2 आयन को सिस ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट करता है। ये देखिए ऐसे CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब अगर मैं इसमें डाल देता हूं पहले वाला रिएजेंट Na- लिक्विड अमोनिया, तो ये बनाता है CH3 ये ट्रांस बन गया है ना। और बेटा अगर इसमें मैं डाल दूं H2PdBSO4 या CaCO3, तो ये बनाएगा सिस ब्यूट 2 इन डबल बॉन्ड CCH3। इसका नाम होता है लिंडलर कैटलिस्ट इसका, और उसका होता है ब्रिज रिडक्शन। ZnHgZnHCl ये क्या करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं एसीटोन ले लेता हूं, यानी कि प्रोपेनोन, तो एक प्रोपेन बना देगा,
इसमें जेडन में एच जी गायब है, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको एहसास हो गया होगा, मैंने यही सोचा कि ये क्वेश्चन से बेटर है कि आपको तीन चार रिएजेंट का पता चल जाए। अगला सवाल, खुल जा सिमसिम, खुल गया भाई, सिमसिम खुल गया। विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी कि तापीय स्थिरता का सही क्रम कौन सा है। हाइड्राइड दिए हुए हैं ऑक्सीजन फैमिली के, प्रहलाद जी तीन, उसका कौन से का, इसका तीन बता रहे हैं आप, अच्छा मोहम्मद आकिब भी। तापीय स्थिरता का सही क्रम कौन सा है, यानी कि अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो इनमें से कौन सा है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी स्थिर होगा। और ये सब ओ स सी टी ओ एक ही फैमिली के सदस्य है। हाइड्रोजन के साथ में जब रिएक्शन करते हैं आपको पता है H2O, H2S, H2SE, H2TE इस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं। कौन सा होगा इनमें से, हाइड्रोजन बंद का नाम सुने हैं, दीपांशु ने सी कहा है, इसका उत्तर होगा बेटा बी। बी उत्तर है इसका H2O, ये घटता क्रम है, सही क्रम मतलब H2PO ऊपर से नीचे जैसे आएंगे, उसके बाद H2S, H2SE, H2TE, H2PO, ये ऑर्डर होगा इसका। थर्मल स्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है बॉन्ड की स्टेबिलिटी से, जो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा वो बड़ी मुश्किल से टूटेगा, याद कर लीजिएगा इसको। हाँ अगला, गलत क्या है, गलत बताना इसमें, गलत क्या है बेटा, गलत क्या है। और चारों जो एलिमेंट हैं ये ग्रुप 14 फैमिली के हैं, देखिए कार्बन फैमिली के मेंबर हैं ये, कार्बन फैमिली 55 का 3 POTE, हाँ 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 ये सही कहा है आपने, किसने जवाब दिया है 55 का 3, योगेश ने कहा है, ठीक है बेटा वो ठीक है। H2O का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उल्टा लिखा है, ये उल्टा लिखा है यहाँ पे, इस पे आ जाओ, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है आपको। PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर, क्या ये सही है, क्या ये सही है। आपने फाजन्स का नियम पढ़ा होगा, फाजन का नियम, उसमें आप देखिए फ्लोरीन तो कितना छोटा, नेगेटिव कितना छोटा और लेड कितना बड़ा, कहाँ है कॉलेज या केमिस्ट्री सर गेट सन की प्रॉब्लम, पीबी का साइज कितना बड़ा, मतलब कैटायन बड़ा एनायन छोटा, कहाँ कोवेलेंट हो जाएगा। कोवेलेंट तो वहां होता है जहां बराबर की रिश्तेदारी होती है ना, एकदम लेन देन होता है। मेरे पास एनसीईआरटी, तेरे पास में प्रदीप, या कोई और बुक में नाम नहीं लेना था मुझे, मुझे जरूरत है टेक्स्ट बुक की, तुम्हें जरूरत है एनसीईआरटी की, एक दूसरे से लेन देन कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट कोवेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, तो गलत बात तो पहली हो गई, बाकी चेक करते हैं अभी। SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज, बिल्कुल सही बात कह रहा है ये, H2O के साथ में ये SiOH4 बनाता है। GeX4, X हो सकता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इज मोर स्टेबल देन GeX2, सही बात है। ये CCl4, चूंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा, अयुग्मित अबंधित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, SnF4 इज आयनिक। बेटा पहला ऑप्शन गलत था, गलत ही हमने छांटना था, और 4 गलत है सर, हाँ ठीक है 4 गलत नहीं है, ये वाला गलत है। PbF4 इज कोवेलेंट, इज नॉट कोवेलेंट, PbF4 इज नॉट कोवेलेंट, दैट इज ए पोलर कंपाउंड, 56 का ए, अब सही बोले हो आप। ये देखो ना 2000, अच्छा एक बात देखूं, 2019 और 2020 में कितना कंपैरिजन है, 2020 का आपने किया हमारे साथ, कितना स्ट्रेट क्वेश्चन था, कितना सीधा पेपर था, ये भी कह सकते हैं दो चार क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े थे, टेढ़ा है पर मेरा है ना, लेकिन समय मिल गया था तो बच्चों ने 720 में से 720, 45 में से 45, 2019 के पेपर में आप अभी देख रहे हो ये जो क्वेश्चन थे, दो तीन ये रट्टाफिकेशन थे, इनऑर्गेनिक से मतलब कंसेप्ट भी था लेकिन रटने वाले भी थे। अगला सवाल ले लेते हैं बेटा, ये है निम्नलिखित में मिलान करें, ये मैं कई बार बोलता हूं, कई बार वो प्रोसेस देख करके कुछ उसका नाम पूछ लेते हैं, कई बार कैटलिस्ट का मिलान होता है, कई बार ऑर्गेनिक में रिएक्टेंट का, ये इंटरमीडिएट का मिलान होता है। इसमें देखिए दो तो बड़ी कॉमन है, हैबर प्रोसेस पहले से पढ़ते आ रहे हो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस 12th क्लास में पढ़ाया आपने, जल्दी जल्दी मेल वो करो, मिलान करो, डेकनपुर, ये इतनी कॉमन प्रोसेस दी हुई हैं 2019 में जिनके चांस है किसी न किसी रूप में आने के।
मोहम्मद असर। अच्छा, कह रहे विस्तार से कीजिए, ठीक है विस्तार से ही कर रहे बेटा, क्योंकि पेपर है तो वो संक्षिप्त में उससे संबंधित चीज ही बताई जाती है, कहीं कहीं जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है और ये रिपीट हो सकता है उसके लिए मैं ज्यादा टाइम लगा देता हूं। हैबर प्रोसिस अमोनिया बनाने के लिए प्रयोग होती है, एक तो ये मैच हो गया भाई जब तक आप जवाब दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होती है, सीस परक्रम विधि बोलते हैं हिंदी में इसको, यहां हिंदी नहीं थी बस, हाँ ये है इसमें। और डेकन प्रोसेस क्लोरीन बनाने के लिए प्रयोग होती है, चौथा तो मत मिला वो अपने आप ही मैच कर जाएगा। तो चार में एक कहाँ है भाई, चार में एक ये दो हो गए, फिर आपका हैबर प्रोसेस में अमोनिया तीन हो गया, बी के आगे तीन हो गया भाई, बी के आगे तीन हो गया भाई, ये आ गया चौथा ऑप्शन ठीक है। डेकन प्रोसेस क्लोरीन बनाती है, कॉन्टैक्ट यानी कि सीस प्रक्रम विधि सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, हैबर प्रोसेस अमोनिया के निर्माण में आती है, और प्योर नाइट्रोजन वाला तो अपने आप ही आ गया ही पी ब्लॉक से। हाँ डी उत्तर दिया है बहुत बच्चों ने दिया, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, ये है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मोलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज ही पढ़ाई है, जवाब सबका आना चाहिए। आणविक कक्षक सिद्धांत मैंने आज पढ़ाया है सुबह, योगेश यादव जी। अच्छा उसका उत्तर दे रहे हैं बिफोर, इसका उत्तर दीजिए, इनमें से कौन सा मोलिक्यूल है जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। मैं ये कह सकता हूं कि जिसमें सिंगल बॉन्ड, जिसका बॉन्ड ऑर्डर एक आता हो। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बेटा, आज ही बताया मैंने, दो आता है ना, P4 होता है इसमें, P4 प्लस P4, आठ हो गया, आठ को कैसे लिखेंगे, छह माइनस दो अपॉन दो। नाइट्रोजन का तीन आता है बेटा, P3 P3 छह हो गया, छह माइनस जीरो अपॉन दो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन टू, मैं वो लिख रहा हूं। C2 कार्बन होता है P2 चार हो गया, चार माइनस जीरो बटे दो। और बेरिलियम, बेरिलियम तो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये क्या पूछा है फिर इसमें, कुछ सवाल में गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना। दया तोड़ दो दरवाजा, एसीपी प्रदुमन सबको याद रहता है। 57 का चार लिख रहे हैं, कौन लिख रहे भाई, 58 का चार, इसमें कुछ तो गड़बड़ है सवाल में, यहाँ जो टाइपिंग एरर है ग्रीन जो दिख रहा है, कुछ पूछा गया है, कुछ पूछा गया है। अगर ट्रिपल बॉन्ड पूछा गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल है, इसमें डबल है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर इसका जीरो आता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट प्रहलाद जी। चार है सर जी, किसका, इसका नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये तो सवाल था कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो अब 2020 में भी आया था, मैंने कराया था आपको। या ट्रिपल बॉन्ड है किसके अनुसार, इतने ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऐसा कुछ सवाल होगा। ये ले लीजिए, उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे हम, 59 क्वेश्चन के बाद में फिजिक्स पढ़ेंगे, चूंकि बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन, 45 केमिस्ट्री फिजिक्स, तो उसी स्पीड से चलते हैं। बायोलॉजी थोड़ा ज्यादा चले, केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा चल जाए, काम हो जाएगा, एक ही साथ 2019 समाप्त हो, फिर 2018 लेंगे। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा गया बेटा, आपको पता है लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में हम मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन ग्रुप 15 एक्सेप्शन होता है, वो ग्रुप 16 के बाद आता है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से। और इसमें पूरा का पूरा ग्रुप उठा लिया, स्टार्टिंग से लेके यहां तक का लास्ट तक का, तो दो जगह उतार चढ़ाव आते हैं। एक आता है जब बेरिलियम के बाद बोरोन स्टार्ट होता है तो बेरिलियम जो है जंप कर जाता है, चूंकि उसके पास में एस टू पूरा भरा हुआ कक्षक होता है। फिर ग्रुप 15 आता है, और नियोन का तो आपको पता ही है ना, आप तो मेरी नेचर जानते ही हैं, डायलॉग है ना एक, आप तो मेरी नेचर जानते ही हैं। तो नियोन तो सबसे बाद में, ये तो ऑप्शन सब एक जैसे लग रहे हैं, फ्लोरिन उससे कम, भाई वाह। और फिर यहां डिफरेंस हो जाएगा, यहां आधा 50-50 लग जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही थी, फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी में नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो यहां इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है। फिर बेटा कार्बन नाइट्रोजन क्या लिखा भाई, फॉर द सेकेंड पीरियड, ओके फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगा लीजिए फटाफट, कौन सा आया, क्या उत्तर आ रहा है एक बार आपका देख लूं मैं। प्रहलाद कह रहा है ए, 59 का सी, चितरंजन कुमार और मोहम्मद आकिब कह रहे हैं आठ। देखिए नियोन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम जो है फ्लोरीन होगा, उससे कम जो है नाइट्रोजन होगा, उससे कम ऑक्सीजन होगा, उससे कम कार्बन होगा, उससे कम फिर यहां पर बोरोन होगा,
बेरिलियम यहाँ आ जाएगा, बेरिलियम फिर बोरोन, ऐसे करके देख लीजिए, लिथियम के बाद बोरोन बेरिलियम, लिथियम के बाद बोरोन है ना, बेरिलियम फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये रहा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट फैसल सिद्दीकी, बहुत बढ़िया, ध्रुव ने भी बी कहा, प्रहलाद जो है वो चूक गए इस वाले क्वेश्चन से। ओके, नोट कर लिया, ये युवा दिवस है और बहुत एनर्जी के साथ रहना है आपके अंदर। किसी टीचर ने मुझे कहा था कि भारत की जो ऊर्जा है ना वो नौजवानों के अंदर बसती है, कहीं बाहर नहीं, और अगर उसको कंस्ट्रक्शन वे में लगाया जाए तो वो बिल्डिंग खड़ी कर सकती हैं, ठीक है, भविष्य की, और अगर वो डिस्ट्रक्शन में चली गई तो विनाश आ जाएगा। संस्कृति मूल्य को बचाते हुए अब फिजिक्स की बारी, अब सर खेलेंगे 2020। फिजिक्स वाले सर की बारी है, रमेश सर। हेलो बच्चों, तो केमिस्ट्री और बायो तो आपने कर ही लिया, कैसा रहा अनुभव? वैसे मुझे लग रहा है कि आज कुछ बच्चों ने लाइक किया है, शेयर भी कर रहे हैं, थोड़ी ज्यादा संख्या बढ़ाओ, ठीक है। चलो, कल हमने क्या किया था याद होगा आपको, कल के प्रश्नों के अंदर हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस ही लिए थे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं थे। और ये भी बात, जैसा कि आपको बायो और केमिस्ट्री में पता चल ही रहा है कि 20 की तुलना में 19 में थोड़ा बेहतर था कुछ स्टैंडर्ड जो था क्वेश्चंस का, ठीक है। चलो, ये तो हलवा दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से करके बताओ। हाय नरेंद्र जी, जितने सारे बच्चे हैं सबको हाय हेलो। चलिए फटाफट से आंसर करना शुरू करिए, आप देख पा रहे हैं क्या करना है इसमें। डेल्टा एक्स की परसेंटेज देखनी है ना, डेल्टा एक्स की परसेंटेज देखनी है। चलिए एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, वापस मैं लेकर आता हूं। चलो भाई, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, परसेंटेज एरर, किनका आंसर करेक्ट आ गया है? फिजिक्स सर हेलो, फैजल सिद्दीकी हेलो 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 हेलो, सारे बच्चे हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, जो भी फटाफट से आ जाएं आप करने के लिए, पेन पेपर ले आंसर करें। कौन बताएगा? डेल्टा एक्स बाय एक्स अगर हम कर रहे हैं, 2 into डेल्टा ए बाय ए प्लस हाफ बाय 2 into डेल्टा बी बाय बी प्लस 1/3 into डेल्टा सी बाय सी प्लस क्या है, डी 3 है, 3 into डेल्टा डी बाय डी, ये है। अब इन सबको जोड़ दें, कितना आंसर आ रहा है? आंसर इज 3, अकीब का आंसर आ गया है 3, यानी कि -10%। 3 कौन सा है भाई? -10%। अच्छा जी, माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहां पर, अधिकतम आपको बताना है। अच्छा, बी बताया है, यानी कि 16% बताया है कुछ बच्चों ने, ठीक है, 16% ही आना चाहिए। 2 है यहां पर, 2 कर दो, 4 हो गया, 4% प्लस 3 है 3/2 हो गया। अच्छा, 3/2 भी है, 3/2 प्लस 3/2 प्लस क्या है, डेल्टा सी है, सी 1/3, सी कितना है? अच्छा, 1 2 3 4 हो रहा है ऐसा। अच्छा ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 2 into 1, 2% प्लस 1% प्लस अगेन ये 1% हो रहा है प्लस डी 3 है, 3 into 4, 12%, ठीक है। 16% वाला आंसर करेक्ट है, 16% वाला आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया, ये बहुत आसानी से कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। कोणीय चालों का अनुपात, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, यहां पर क्या दिया गया है, टाइम पीरियड ऑफ ए एंड बी आर सेम। अगर टाइम पीरियड सेम दिया गया है तो क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर बताऊंगा मैं।
इसका आंसर बताओ क्या आएगा? जल्दी जल्दी आंसर 16, डॉक्टर ज्ञान रे, ठीक है अब आगे बढ़ गए हम लोग। आंसर आपका 16% करेक्ट है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। 1:1 तबस्सुम प्रवीण, बहुत बढ़िया, तबस्सुम प्रवीण का आंसर आ गया है, बहुत अच्छे। और कौन है? असद बता रहे हैं 3 तो आंसर नहीं है। अकीब ने 2 बताया आंसर। एक्चुअल में देखो हिंदी और इंग्लिश में यहां पर क्या है, थोड़ा सा ऑप्शंस डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर के बताना पड़ेगा मुझे कि आंसर आप कौन सा कर रहे हैं। आंसर एक्चुअल में ये है 1:1। ऐसा इसलिए है कि एंगुलर, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है ओमेगा ए बटा बी, अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है ओमेगा बराबर होता है 2π बाय टाइम पीरियड। ठीक है, अगर टाइम पीरियड बराबर है सबका तो एंगुलर स्पीड भी बराबर होगी। ठीक है, इसलिए आंसर क्या है 1:1। आंसर क्या है 1:1। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गई बात। आंसर है 1:1। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए 1:1। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर करा है। शांतनु पवर, बहुत बढ़िया। नरेंद्र ने भी आंसर लिखा है नरेंद्र जी, आंसर 1:1 है, यानी कि पिछले वाले में आपने देखा आंसर 1:1 है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। इस प्रश्न का क्या उत्तर है? 2। क्या हो रहा है? जब आर बढ़ता है तो इसके लिए शून्य हो जाता है, आर अगर ज्यादा हो तो घट जाता है। 4 है आंसर। क्या आंसर कौन सा है? अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो इस ऑप्शन में आंसर कौन सा लग रहा है आपको? आंसर ये वाला है या ये वाला है? क्या हो रहा है, कौन सा? योगेश यादव जी ने 2 बोला है। 0 as increases for this, decreases as r increases for this. इसमें तो 2 ही है ऑप्शन, बिल्कुल ठीक। यहां पर आंसर कौन सा है? यहां पर आंसर 4 है, ये वाला। ठीक है, आंसर 4 है इसमें, इसमें ऑप्शन 2 है। ऑप्शंस अलग हैं तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, हिंदी वाला है इंग्लिश वाला कौन सा ले रहे हो आप ऑप्शन। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी। ये बहुत ही सिंपल सी बात थी कि अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर यानी कि चालक के अंदर अगर हम देख रहे हैं, तो इसके बाहर अगर हम चल रहे हैं, आर अगर हम बाहर देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो होती है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, और अगर ये रेडियस इसका आर है, अब अगर मान लें हम इसके अंदर किसी बिंदु पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है 0। ठीक है, ये बात समझनी है। ये वाला होगा आर जब ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो आपको आंसर समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर किनके पास है? यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। आंसर बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। योगेश यादव जी ने भी सही किया, मिस्टर मोहम्मद जाहिद ने भी सही किया आंसर। ध्रुव को थोड़ा सा, ध्रुव ने शायद इंग्लिश वाले इसमें किया होगा, ऑप्शंस में अलग रख रहा हूं, ध्यान देना इस बात पर। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को पता है क्या होता है? देखो काइनेटिक एनर्जी जो है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगा? टोटल एनर्जी के डबल होगा। जो एनर्जी दी गई है ये टोटल एनर्जी है, तो अगर हम गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 3.4 होगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं यानी कि स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसका डबल होगा। इसका डबल का मतलब 6.8 और ये माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो हमारा आंसर कौन सा है, समझ में आ गया आपको? इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन है, और इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन ये वाला है।
ठीक है, चलिए इस बात पर गौर करिए, मैंने दोनों बातें आपको ढंग से बताई हुई हैं, इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आंसर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आंसर ए है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है, गुड। अब इस प्रश्न को करिए, कोलिजन से ये प्रॉब्लम है, क्या बताया गया है, बॉडी ए है जो क्या हो रहा है, इसका मास है 4m, यू स्पीड से चलकर कोलाइड करता है बी जो कि रेस्ट पर है, यू टू अगर हम बोलेंगे ये शून्य है, यू वन बराबर यू है, ठीक है, यही बोला गया है। अच्छा, कोलिजन इज हेड ऑन, सीधे टक्कर होता है, एंड इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक कोलिजन है, बहुत अच्छे। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, जब हम कह रहे हैं कि क्षयित ऊर्जा का भाग कितना है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, डेल्टा ई बटा उसकी पूरी ऊर्जा जो थी, इसको बोलते हैं क्षयित ऊर्जा का भाग, ठीक है। आंसर इसमें आपका 4 आएगा, ये वाला आंसर, और ये वाला आंसर 2, मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ऑप्शन को ध्यान से समझो, ठीक है, 8/9 आएगा आंसर। किसको पता है ये कि अगर ए की पहले ऊर्जा थी 4mu का होल स्क्वायर, 4m × u का होल स्क्वायर, ठीक है, पहले ये एनर्जी थी, बाद में एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 × 4m तो है ही है, और इसके टक्कर के बाद एनर्जी कितनी हुई, आंसर डी बता रहे हैं, आंसर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ये वाला ठीक है, 8/9 आएगा आंसर, ठीक है, 8/9 होगा आंसर। ऐसा इसलिए होगा कि आप जरा देखिए, V1 टक्कर के पश्चात, आफ्टर कोलिजन अगर हम देखेंगे, आफ्टर कोलिजन टक्कर के पश्चात जो होगा इसका मान वो क्या होगा, m1 - m2 × u1 / m1 + m2, और प्लस ये जीरो हो जाएगा क्योंकि u2 जीरो है, तो v1 टक्कर के बाद, u1 क्या था, u था, और v1 अब जो टक्कर के बाद हो गया वो कितना हो गया, वो इसको देखेंगे, यहां पर v1 बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक दूसरे द्रव्यमान की बात कितनी है, 2m, तो ये हो गया कितना, 2m u1 / u1 तो u ही है, और ये हो गया 4 + 2m कितना, 6m, यानी कि 1/3 u हो जाएगा, u/3 हो जाएगा v1, ठीक है। अब इसको यहां पर रखेंगे 1/3 इसका स्क्वायर, तो इसके हिसाब से आप करेंगे यहां पर फिर 1/2 × 4m u² 4m × u² तो इसका आंसर आएगा 1 - 1/9, ठीक है, 1 - 1/9, और इसका आंसर फाइनल आएगा 8/9, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से करना है आपको, नहीं 4/9 नहीं आ रहा, 8/9 आएगा, योगेश यादव जी, डॉक्टर ज्ञान रे ने लिखा है 8/9 सही आंसर है, तबस्सुम प्रवीण का भी आंसर 8/9 आया है, बहुत अच्छे। नहीं, 3 आंसर नहीं है, इसका आंसर है, हिंदी में जो आंसर ऑप्शंस दिए गए हैं वो 4 है आंसर, ठीक है। देखिए यहां पर बोला गया है पहले, पहले जो ऊर्जा थी माइनस बाद में जो ऊर्जा हो गई, टक्कर के पहले टक्कर के बाद, बटा जो पूरी ऊर्जा थी E1, तो पहली ऊर्जा कितनी थी, इसको अगर हम देखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं ना, E2/E1 ऐसे लिख सकते हैं, तो कुल मिलाकर बात यही आती है कि ये यहां पर 1 - 1/9 आता है, 1 - 1/9 आता है, इसको हल करेंगे 8/9 आएगा, ठीक है। योगेश यादव जी, आपको आंसर समझ में आ गया, 8/9 होगा आंसर, ठीक है, चलिए 8/9 होगा आंसर, और प्रश्न ले,
चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं आज के लिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। किसी द्रव्यमान m को पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई h तक, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि यहां पर h बराबर r दिया गया है, तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य कितना है? ठीक है, चलिए क्या है? द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस। क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस तरह की परिस्थिति में आपको दो बातें समझनी है। वर्क डन का मतलब यू टू माइनस यू वन भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, या फिर वर्क डन का मतलब आप चाहें तो एफ इंटू डी एक्स, और ये यहां पर आर से लेकर आर प्लस एच, इसको भी हल कर सकते हैं। दोनों में बात निकलकर यही आएगी, ठीक है। ये आंसर मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी आंसर दिए। 1/2 एम जी आर, क्या बात है, 1/2 एम जी आर आंसर आप लोगों ने 1/2 एम जी आर दिया है। किसी ने ये आंसर दिया है, ठीक है, किसने दिया है आंसर? मोहम्मद असद ने, मोहम्मद जाहिद ने भी सी बोला है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर आने चाहिए फटाफट। डॉक्टर ज्ञान रे का भी आंसर आ गया है, मोहम्मद अकीब ने भी आंसर 3 दिया है। आंसर रट रहे हैं क्या आप लोग? आंसर रटा हुआ तो नहीं है ना? तबस्सुम प्रवीण का भी आंसर हाफ एम जी आर है। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या आंसर है। यू टू की बात कर रहे हैं, यू टू माइनस एम जी एम एम बटा आर प्लस एच अगर करते हैं तो ये क्या होगा, 2R माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर, ठीक है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो बिल्कुल सही आपने लाया है, जी एम एम बाय आर ये होता है, और जी एम की जगह पर हम लिखते हैं जी आर स्क्वायर, तो आंसर बिल्कुल सही है आपका, बहुत बढ़िया। आंसर है थ्री है, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, ग्रेविटेशन आप लोगों ने बढ़िया करा हुआ है, बहुत अच्छे। योगेश यादव जी कहां हैं आप? आपको आंसर बता दिया गया है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। अगर आप वर्क डन निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा। विजय राठौर जी ने भी सी कहा है, सही आंसर है। योगेश यादव जी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, आप 11th पास कर चुके हैं या एग्जाम देने वाले हैं, आपको 2022 में पेपर देना है नीट का, जैसा आपने बताया था मुझे, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी अच्छी हो रही है क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप सही दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। चलिए अब ये आज का आखिरी प्रश्न, योगेश यादव जी आपसे भी मैं यही चाहूंगा कि ये आंसर फटाफट से करिए। मैथ्स वीक है, मैथ्स वाला जो है वीक है, तो कोई बात नहीं, मैथ्स वाले सर करवा रहे हैं जेई मेन वाले, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आदर्श परमार जी ने कहा है मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक है पर मैथ्स वीक है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? आप सबसे पहला काम तो यही करिए कि एक एडू से पूरी तरह से जुड़ जाइए, ठीक है, कोर्सेज ज्वाइन करने के बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। 90 डिग्री आंसर आ गया है, 90 डिग्री, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, यानी कि क्रांतिक कोण पर क्या होता है, एट आई सी आर बराबर 90 डिग्री, बहुत बढ़िया उत्तर होता यही है। जिन बच्चों को क्रांतिक कोण के बारे में इतना अच्छे से नहीं पता, क्रिटिकल एंगल के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कि आप डेंसर से, ध्यान देना, डेंसर से जब रेरर मीडियम पर जाते हैं, सघन से विरल माध्यम में जाते हैं, तो क्या होता है, एक खास एंगल जिसमें कि जो रे ऑफ लाइट है वो इसके समांतर हो जाए, यानी कि इसके नॉर्मल से 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। चलिए अब ये
आपका उत्तर क्या है? R इक्वल्स 90 डिग्री। बहुत बढ़िया उत्तर अपने जिन्होंने भी दिया है सबको बधाई हो, आपको ये पता है, क्रिटिकल एंगल आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने फिजिक्स के भी काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री बायो आपने देख लिया। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सही हो रहे हैं। जिन बच्चों का आंसर अभी सही है उनको और भी अभ्यास करके आप देखिए, आपके चांसेस जो हैं नीट में अच्छा करने के बढ़ने वाले हैं, बढ़ रहे हैं, हर दिन आप बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में वीक हैं कोई बात नहीं, आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको मैथ्स की वीकनेस कभी परेशान नहीं करेगी, मैथ्स में आप स्ट्रांग हो जाएंगे, सुपरस्टार हो जाएंगे। ठीक है, और सर ने अभी मैथ्स वाले सर ने बहुत सारे यूट्यूब पर भी वीडियोस डालने शुरू किए हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, ट्रिक्स और बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि मैथ्स में आप बेहतर कर सकते हैं, उनको भी देखना शुरू करें। इसी के लिए ज़रूरत है कि आप खुद भी वीडियोस देखें, दूसरों को भी देखने के लिए बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करते रहें। ठीक है सर जी, मैं पास कर गया हूं। ठीक है, फिजिक्स को कहां से स्टार्ट करूं? जेई नीट क्रैक करना चाहिए, जिससे नीट क्रैक हो जाए। आप डॉक्टर ज्ञान रे, शायद अब तक आपने आपने शायद अभी तक ज्वाइन नहीं किया है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, आपको फिजिक्स में कोई परेशानी नहीं आएगी, धीरे धीरे आप सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी को ठीक करें, एनसीईआरटी को पढ़ें, उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके उस पर एक नोट बनाने की कोशिश करें। देखिए रेडीमेड मटेरियल तो है ही है, आप अपनी तैयारी कुछ इस तरह से करें, हर दिन के आप नोट्स तैयार करें। आज जो बातें पढ़ी आपने, मान लो आपने दो टॉपिक पढ़े, चार टॉपिक पढ़े, उसका अपना आप हैंड रिटन नोट्स एक बार लिख लें, खासतौर से जो बेसिक बेसिक रिजल्ट्स हैं, जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं फिजिक्स में भी, जैसा मैं देख पा रहा हूं आपके करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी खुशी होती है कि आप ये चीजें कर पा रहे हैं, आगे भी आपके चांसेस बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सत्र में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, इसी गर्मजोशी के साथ। आप लोग जैसे जुड़ते हैं जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आप लोग जो कर रहे हैं आगे भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिर कल हम लोग 3:15 बजे मिलेंगे।